शिक्षक दिन के अवसर पर आज के इस वीडियो में एक हिंदी जबरदस्त भाषण देखने वाले हैं, लिखकर ले सकते हैं। भारत भूमि पर अपने विभूतियों ने अपने ज्ञान से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महान विभूति, शिक्षाविद, दार्शनिक, महान वक्ता एवं आस्थावान विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ऐसी महान विभूति का जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाया हम सभी के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि 1952 में आपके लिए संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति जब 1962 में राष्ट्रपति बने तब कुछ शिष्यों ने एवं प्रशासकों ने आपसे निवेदन किया कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ज्ञान के सागर थे, उनकी हजर जवाबी का एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक प्रतिभोजन के अवसर पर अंग्रेजों की तारीफ करते हुए अंग्रेज ने कहा, ईश्वर हम अंग्रेजों को बहुत प्यार करता है, उसने हमारा निर्माण बड़े यत्न और स्नेह से किया है, इसी नाते हम सभी इतने गोरे और सुंदर है। उस सभा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपस्थित थे। उन्हें बात अच्छी नहीं लगी, अंततः उन्होंने उपस्थित मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। मित्रों, एक बार ईश्वर को रोटी बनाने का मन हुआ, उन्होंने जो पहली रोटी बनाई वह जरा कम सी की, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कच्ची न रह जाए इसे नाते भगवान ने उसे ज्यादा देर तक सेंका और वह जल गई, इसे निग्रो लोग पैदा हुए। मगर इस बार भगवान जरा चौकन्ने हो गए, वह ठीक से रोटी पकाने लगे। इस बार रोटी बनी वो न ज्यादा पकी न ज्यादा कच्ची थी, इसी परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। ये किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से झुक गया और बाकी लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। मित्रों, ऐसे संस्कारित एवं शिष्ट माकूल जवाब से किसी को आहत किए बिना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है। वैश्विक शांति, वैश्विक समृद्धि और वैश्विक सौहार्द में शिक्षा का महत्व अति विशेष है। उच्च कोटि के शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा करते थे, पुस्तकें वो साधन है जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महान विचारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर हम सब ये प्रण करें कि शिक्षा की ज्योति को ईमानदारी से अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, क्योंकि शिक्षा किसी में भेद नहीं करती। जो इसके महत्व को समझ जाता है वो अपने भविष्य को सुनहरा बना लेता है। समस्त शिक्षकों को हम निम्न शब्दों से नमन करते हैं। ज्ञानी के मुख से झरे सदा ज्ञान की बात, हर एक पखुंडी फूल। सभी दोस्तों को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।